गुड मॉर्निंग एम बी ए थर्ड सेम, वेलकम बैक टू द मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन क्लास एंड द सब्जेक्ट इज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. ओके, सो टुडे विल बी टेकिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेकेंड यूनिट दैट इज नोन एज बायर सेलर डायर. ओके, वॉट इज बायर सेलर डायर? ओके, दिस इज द मॉडल ऑफ बायर सेलर डायर, सेल्स पर्सन एंड कंज्यूमर. ठीक है, तो बायर सेलर डायरेक्ट होता क्या है? इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड अ कंज्यूमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज विद अ ऑब्जेक्टिव टू रीच अ कॉमन ग्राउंड इज नोन एज बायर सेलर डायरेक्ट. ये क्या होता है? इंटरेक्शन है किसके बीच में? सेलर और बायर के बीच में. ओके, इंटरेक्शन किस तरह का है? जो सेलर होता है उसके पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वो बायर को अप्रोच करता है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ और बायर को कन्विंस करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ले. ओके, सो दिस इंटरेक्शन इज नोन एज बायर सेलर डायरेक्ट और बिजनेस डायरेक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस डायरेक्ट. ओके, so some of the steps are involved in the buyer seller dialogue. First one is salesperson determines the consumer needs. Okay, so the first step is जब salesperson जो होता है वो consumer तक जाता है तब उससे कुछ interaction करता है. ठीक है, अपने products और services के बारे में कुछ interaction करता है और ये जानना चाहता है कि consumer की needs क्या है. Okay, what are the consumer needs? Okay, जैसे आप देखोगे सेल्स पर्सन आप जो डोर टू डोर मार्केटिंग करता है वो आपके घर पे आके पूछता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो. ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज द कंज्यूमर नीड्स. ओके, सेकंड वन इज सेल्स पर्सन प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एंड आंसर कंज्यूमर क्वेश्चन. जब उसने नीड्स आइडेंटिफाई कर ली है उसके बाद वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर. ओके, कस्टमर सुन इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर सकता है, दीज आर नोन एज कंज्यूमर क्वेश्चंस. ठीक है, और सेल्स पर्सन उन कंज्यूमर्स क्वेश्चंस के आंसर देता है टू सेटिस्फाई द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंज्यूमर. ओके, एंड द थर्ड वन इज सेल्स पर्सन एंड कंज्यूमर कंक्लूड ट्रांजेक्शन. कंक्लूड ट्रांजेक्शन मतलब एंडिंग द सेल. ओके, इसके अंदर क्या होता है? जब सेल्स पर्सन जब कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज लेके जाता है किसी भी कंज्यूमर के पास तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनली वो सेल को क्लोज कर दे. ओके, सो आफ्टर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड आंसरिंग द कंज्यूमर क्वेश्चंस, जो कंज्यूमर के मन में जो डाउट होते हैं वो लगभग क्लियर हो जाते हैं और सेल्स पर्सन कंज्यूमर को गुड्स भेज देता है एंड कंक्लूड्स द ट्रांजैक्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेकंड यूनिट बायर सेलर डायरेक्ट. दिस इज द मॉडल ऑफ बायर सेलर डायरेक्ट एंड दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन बिटवीन द बायर सेलर डायरेक्ट.